हाय दोस्तों, आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई जब भी हम कभी फ्री वर्ड सुनते ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, चलो यार ले लेते हैं, फ्री में तो मिल रहा है। क्योंकि ये जो फ्री वर्ड है ना, ये हमारे दिल और दिमाग में कुछ इस तरह से छप गया है कि कुछ भी मिले अगर फ्री है ना तो ले लो, चाहे उसके लिए लाइन में खड़ा होना हो या फिर पूरी रात जागना हो। बट अगर फ्री में मिलता है तो उसे ले ही लेना चाहिए, हमारे काम आए या ना आए। और आज के इस वीडियो में इसी फ्री वर्ड को लेकर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ों का मतलब यही है कि मैं ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर के कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि प्ले स्टोर पर पेड है, यानी कि उन ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को पैसा देना पड़ सकता है। मगर आज के वक्त में पता नहीं क्या हुआ यार, उन ऐप्स पर चल रहा है सेल, और वो भी 100% सेल। यानी कि अगर कोई ऐप 100 रुपए की है तो आपको उस पर 100% सेल मिल रहा है। तो यहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है और ऑफिशियली आप गूगल प्ले स्टोर से ही उस पेड ऐप को बिना पैसे दिए आसान शब्दों में इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री का मजा ले सकते हैं। अब ये जो सेल है ये कुछ घंटों तक या फिर कुछ दिनों तक चल सकता है, तो यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी ऐप आपके काम आ सकती है, कौन सी गेम आपको अच्छी लग सकती है। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऐप्स के बारे में या फिर गेम के बारे में, नहीं तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले ऐप है इसका नाम है इक्वलाइजर, और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो ये 180 रुपये की ऐप है, बट फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कुछ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आप बेस बूस्टर है, इक्वलाइजर और वॉल्यूम को भी बूस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पर 7 वॉल्यूम मोड मिल जाते हैं और 6 वॉल्यूम बूस्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 7 अलग अलग तरह के इक्वलाइजर मिल जाते हैं और 10 आपको इक्वलाइजर के प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो एक तरह से ये ऐसा इक्वलाइजर ऐप जहां पर अगर आप गाने वगैरह सुनते हैं तो आप थोड़ी बहुत इफेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और गाने को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाकर सुन सकते हैं। तो काफी कमाल की ऐप है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है इसका नाम है स्पीड व्यू जीपीएस प्रो। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है 60 रुपये, फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस ऐप के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आप बेसिकली जो है अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस की मदद से। यहाँ पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी व्हीकल में तो आप ये देख सकते हैं कि आप कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने में आपको कितना वक्त लगेगा। हालांकि ये सारी चीज़ आप गूगल मैप्स के भी जरिए पता लगा सकते हैं, बट इस ऐप में आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप और भी कई सारी जानकारियाँ जान सकते हैं। तो काफी कमाल की और एक तरह से ट्रैकिंग ऐप है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है इसका नाम है स्केच मी प्रो। अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की तो 95 रुपीज है, तो फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहां पर होगा यह कि आप इस ऐप की मदद से किसी भी इमेज को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी इमेज को स्केच में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर एक तरह से ड्रॉइंग तरह की इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। और इस ऐप में आपको ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल प्रो ऐप है और काफी अच्छी क्वालिटी में आपको इमेज कन्वर्ट करके देने वाली है। यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की इफेक्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लैक स्टॉक हो गया, व्हाइट हो गया, पेस्टल हो गया, पेंसिल स्केच, कलर स्केच, कार्टून इफेक्ट और भी कई सारे इफेक्ट मिलने वाली है। तो आप इस ऐप की मदद से अपनी फोटो को एक स्केच इफेक्ट दे सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो एक तरह से ये फोटो एडिटिंग ऐप है बट प्रो ऐप है और काफी महंगी ऐप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस ऐप के बारे में बताया जाए। इसके बाद की जो ऐप है इसका नाम है रिसाइज मी प्रो फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो ये 100 रुपीज की है, बट फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जो ऐप है ना, इस ऐप की मदद से आप किसी भी फोटो की साइज को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं और ये एक प्रो ऐप है, तो यहां पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी एडवांस मिलते हैं। मुझे तो एडवांस कुछ लगे नहीं, हालांकि ये थोड़े बेसिक फीचर्स है, जैसे कि यहां पर आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, तो ये तो बेसिक फीचर्स हमें और भी कई सारी ऐप में मिल जाते हैं। बट जो फीचर्स का सबसे कमाल का है वो है रिसाइजर का, यानी कि यहां पर अगर आप किसी फोटो के रेजोल्यूशन को हाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप उसे हाई कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल लो रेजोल्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और जो फोटो की क्वालिटी होगी वो भी खराब नहीं होगी। तो यार ये काफी कमाल का मुझे फीचर्स लगा, यानी कि कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर मतलब एक पर्टिकुलर एक ही साइज का फोटो ऐड होता है, तो वहां पर आप इस ऐप का यूज करके फोटो की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद की जो ऐप है इसका नाम है वर्ल्ड रेडियो, वर्ल्ड वाइड रेडियो इंटरनेशनल ऐप, काफी लंबा नेम है, बट अगर मैं बात करूं प्राइस की तो प्राइस भी काफी लंबी चौड़ी है, 270 रुपए की यह ऐप है। और यहां पर होगा यह कि आपके मोबाइल
मोबाइल में पूरी दुनिया के रेडियो आ जाएंगे, मतलब आप पूरी दुनिया के रेडियो सुन सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। और सिंपल है, आपको पता ही होगा कि रेडियो में ज़्यादातर गाने भी बजते रहते हैं, तो यहाँ पर आप एक तरह से पूरी दुनिया के गानों का मजा ले सकते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे माइनस लगा, क्योंकि अभी भी इस ऐप के अंदर ऐड जो है वो आती रहती है। अब 270 रुपये अगर कोई बंदा देगा और ऐड आएगी तो यार काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। बट फिलहाल अभी इस ऐप में सेल चल रहा है, तो अभी आप इस ऐप को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। और 270 रुपये की ऐप है और पूरी दुनिया के म्यूजिक सुनने को मिलेगा, तो भाई काफ़ी कमाल की ऐप है। ट्राई जरूर से करना, इंस्टॉल जरूर से करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की कोई ऐप नहीं है, गेम है जिसका नाम है टेक अवे 3D, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली गेम है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 110 रुपये और गेम ऑसम है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और गेम को कुछ इस तरह से खेलना है, आपके पास एक मतलब रिंग बनी होगी कुछ इस तरह की, और यहाँ पर आपको इसे लेफ्ट राइट मूव करना है, और सामने से जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सभी चीज़ों को इसमें मतलब भरना है और आगे फेंकना है। तो कुछ इस तरह की गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हालांकि ग्राफिक्स कुछ खास है नहीं, म्यूजिक भी ठीक ठाक है, मगर जो गेम प्ले वो काफ़ी ऑसम लगा, और मैं श्योर हूँ कि गेम आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है इसका नाम है iOS आइकॉन पैक, यानी कि ये एक आइकॉन ऐप है जहां पर आपको आईफोन का आइकॉन और वॉलपेपर्स दोनों मिल जाएंगे, और यहां पर आपको किसी भी तरह के ऐड भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो 50 रुपये इसकी प्राइस है। फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सभी आइकॉन को यूज़ करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को आईफोन का लुक देने के लिए, आपको एक अलग से लॉन्चर इंस्टॉल करना होगा, चाहे वो एपेक्स लॉन्चर हो, नो लॉन्चर हो, कई सारे लॉन्चर को ये आइकॉन पैक सपोर्ट करता है। तो आपको एक अलग से लॉन्चर जो है वो इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद आप इन आइकॉन को अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक तरह से आप अपने स्मार्टफोन को आईफोन जैसा लुक दे सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की ऐप है, तो ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक गेम है जिसका नाम है एपिक एनिमल मूव टू बॉक्स पजल, और ये काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की गेम है। बट अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो 80 रुपए की ये गेम है। बट फिलहाल अभी आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि इस गेम को आप जरूर से इंस्टॉल करें, और ये गेम आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि यहां पर आपको काफी कमाल का और इंटरेस्टिंग पजल टाइप का गेम प्ले जो है वो मिलने वाला है, और यहां पर आप घंटों जो है वो टाइम पास कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस गेम का रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा गेम प्ले खेलना स्टार्ट किया था, तो मेरा भी आधा घंटा ऐसे ही टाइम पास हो गया था। तो काफी कमाल का इंटरेस्टिंग गेम है, जहां पर आपको कुछ एनिमल को मतलब जंप करवाना होगा कुछ इस तरह से, या फिर मूव करवाना होगा, तो कुछ पजल टाइप की मतलब यहां पर पैटर्न दी हुई है, उसे आपको सॉल्व करना होगा। और काफी इंटरेस्टिंग और मतलब दिमाग का दही करने वाली गेम है, तो काफी मजेदार गेम है। और मैं आपसे फिर से कहूंगा कि इस गेम को आप एक बार जरूर से ट्राई करना, मैं श्योर हूं कि ये गेम आपको काफी पसंद आएगी। ग्राफिक्स अच्छे हैं, इतने भी बुरे नहीं है, और साउंड काफी कमाल का है, तो आपको ये गेम काफी पसंद आने वाली है। तो ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो नए ऐप्स या फिर गेम इंस्टॉल करते रहते हैं, हो सकता है कि उन्हें ये ऐप्स या फिर गेम पसंद आ जाए। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई गेम या फिर ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।